अगर आपको थकावट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी का एहसास होता है, आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, आपकी मांसपेशियों में दर्द रहता है, सुबह उठकर जब रात को घर पे आएंगे काम करने के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट और लिथार्जिक महसूस होता है, अगर ये सारे प्रॉब्लम आपको फेस हो रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादातर ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया, 45 साल की उम्र के बाद जब हमारे शरीर में मसल लॉस होने लगता है, हमारे मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, हमारे बोन की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, तब ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपाय, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप उसका रेगुलर सेवन करेंगे तो ये सारी थकावट और ये सारी प्रॉब्लम आपके शरीर में से निकल जाएंगी, आप अपने आप को यंग महसूस करेंगे, आप अपने आप को एनर्जेटिक और उत्साही महसूस करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये सारे सिम्टम्स महसूस होते हैं, आपको थकावट लगती है, आपको बदन में दर्द रहता है, आपके मसल्स में पेन होता है, तो सबसे पहली चीज़ आपको सेवन करनी है वो है आयुर्वेद की एक उत्कृष्ट औषधि जिसका नाम है रसायन चूर्ण। रसायन चूर्ण जो है वो आयुर्वेद की संहिताओं में बताई गई एक बेहतरीन फॉर्मुलेशन है जिसे एंटी एजिंग के लिए हजारों सालों से सेवन किया जाता है। रसायन सेवन के अंदर आंवला, गिलोय और गोक्षुर ये तीनों का समान मात्रा में मिश्रण करके रसायन चूर्ण को बनाया जाता है। रसायन चूर्ण को 3 से 6 ग्राम सुबह खाली पेट शहद और घी को असमान मात्रा में यानी कि आधी चम्मच शहद और 1 चम्मच घी उसके साथ मिलाकर सुबह खाली पेट उसको सेवन किया जाता है, उसको चाट के लिया जाता है और उसके बाद भूख ना लगने तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस तरीके से अगर आप रसायन चूर्ण का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में थकावट और बीमारियां सारी दूर हो जाएंगी। रसायन चूर्ण के बारे में आचार्य वाग्भट ऐसा कहते हैं, शांत विकार दुख क्षमाम शतम जीवती, यानी कि जिस इंसान को 100 साल तक जीना है उसे रसायन चूर्ण का सेवन करना चाहिए। उसके बाद जिन लोगों को ये तकलीफ होती है, उसके बाद दूसरी चीज जिसका हम सेवन कर सकते हैं वो है उड़द। उड़द के बारे में क्या कहा जाता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उड़द को आयुर्वेद में माश कहा जाता है। माशः स्निग्धो बलश्लेष्म मलपित्तकरः सरः। अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी देखने जाएं तो उड़द जो है वो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स माना जाता है। आपको क्या करना है, 2 चम्मच उड़द का पाउडर लेना है, उसमें 1 चम्मच गाय का घी डालना है, फिर उसमें 1 से 1.5 कप गाय का दूध डालना है और उसे उबाल कर उसमें आधी चम्मच मिश्री मिक्स करके उसकी खीर बनानी है और हफ्ते में 2 से 3 बार उसका सेवन करना है। उसका सेवन आप हफ्ते में 2 से 3 बार अगर रेगुलर करते जाएंगे तो आपके शरीर में ये सारी जितनी भी थकान रिलेटेड प्रॉब्लम है, मसल्स पेन है, जोड़ों में दर्द है, बोन डेंसिटी कम है या मसल मास आपका कम हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आपके शरीर की दूर होती जाएंगी और आपका शरीर जो है वो तंदुरुस्त होता जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ है खजूर। खजूर के बारे में हम सब जानते ही हैं। आइए देखते हैं आचार्य चरक खजूर के बारे में क्या कहते हैं। मधुरम ब्रूहणम वृष्यम खर्जूरम गुरु शीतलम क्षये अभिघाते दाहे च वात पित्ते च तद्वितम। खजूर जो है वो मधुर है, उसका विपाक जो है वो भी मधुर है, वो बल्य है यानी कि शरीर में बल देने वाली है, वो वृष्य है यानी कि आपके स्पर्म को आपके वीर्य को गाढ़ा करने वाली और वीर्य को बढ़ाने वाली है। जिन लोगों को एनीमिया रहता है, जिनको आयरन की डेफिशिएंसी रहती है, उन लोगों के लिए भी खजूर बहुत अच्छी मानी जाती है। खजूर का सेवन आप किस तरह कर सकते हैं वो भी समझ लीजिए। रात को 3 खजूर आप पानी में भिगो के सुबह खाली पेट उस पानी को निकाल के खाली पेट भी खजूर का सेवन कर सकते हैं। दूसरा, 3 खजूर को आप दूध में पकाकर भी उसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद चौथी चीज है जिसका नाम है केला। केले को हम बनाना कहते हैं और आयुर्वेद में केले को कदली कहा जाता है। आइए देखते हैं कि आयुर्वेद में केले के बारे में क्या कहा गया है। भाव प्रकाश निघंटू के अनुसार केले के बारे में ये कहा गया है, पक्वम स्वादु हिमम पाके स्वादु वृष्यम ब्रूहणम, यानी कि केला जो है वो हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देने वाला और वृष्यम यानी कि वीर्य को बढ़ाने वाला, बलम यानी कि शरीर को बल देने वाली चीज है। जिन लोगों को कफ रहता है
तो सुबह खाली पेट केले का सेवन ना करें, दोपहर के समय में केले का सेवन करें। और दोस्तों ज्यादातर लोग हमने ऐसे देखे हुए हैं कि जो दूध और केले को साथ में मिलाकर उसका सेवन करते हैं, तो दूध और केले का साथ में मिलाकर सेवन ना करें। तो ये चार चीजें मैंने आपको बताई, एक रसायन चूर्ण, दूसरा उड़द, तीसरा आपको खजूर और चौथा केला। ये चार ऐसी चीजें हैं, अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है इसका आप रेगुलर सेवन करेंगे तो उससे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और संजीवनी आयुर्वेद हॉस्पिटल का वेल ट्रेन और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको रोग मुक्त करने के लिए तैयार है। अरे देर किस बात की, जब हम होंगे साथ तो रहिए बेफिक्र आप। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। कॉल नाउ 7575098494 या 9879428494। 116-117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।